हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। मैं राजकुमार आपकी शून्य से शिखर तक मैथ का 10वां भाग लेकर के। दोस्तों, कल की क्लास में आपने देखा था भिन्न यानी कि फ्रैक्शन क्या होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे पहचानते हैं, ये सारी कहानी आपने कल सीख लिया था। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे, वो कौन सी बात करेंगे, देखो ध्यान से। आज जो कल आपने पढ़ा था ये भिन्न, इनमें कुछ हम अभ्यास आपको करवाएंगे, थोड़ा बहुत दो चार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, उसके बाद कुछ अगला लेवल लेके आपको चलेंगे थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर, ठीक है। और आज हो सकता है आपको ये 10वां पार्ट जो है लास्ट पार्ट हो जाए, क्योंकि डेमो क्लास थी। अगर आपको पूरा क्लास करना है तो आप पीवीआर स्टडी ऐप में जा करके क्लास को तुरंत लीजिए और पढ़िए कहीं से भी कभी भी, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, इस तरह से आपको बहुत सारी क्लास मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, इस फ्रैक्शन में हर बराबर है यानी डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ऊपर के जो नंबर हैं यानी 3 + 5, इसको वैसे लिख के और एक बड़ी लाइन खींच के दोनों में से एक जगह लिख दिया जाता है, दोनों को ऐड कर देते हैं 5, 3, 8 और ये 2, ये हो गया आंसर। लेकिन इसमें क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब इसका हर छोटा है अंश बड़ा है, तो इसको इससे भाग करेंगे तो 2 × 4 = 8 आएगा और ये आंसर हो जाएगा फाइनल में उत्तर। बात समझ में आई। इस तरह से दूसरी भिन्न जो आप देख पा रहे हो ये भी वैसे ही है, एक बड़ी लाइन खींच के नीचे लिख लो 7, क्योंकि दोनों में 7 इक्वल है। ऊपर 1 और +2 जैसे था वैसे लिख दो, दोनों को ऐड कर दो फटाफट, 2 × 1 कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 × 5 = 7। आप लोग इनको कर लोगे, लेकिन नीचे वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपका दिमाग घुमा देता है कि भैया ये अलग टाइप का है, इसको कैसे करेंगे, बड़ी मुसीबत वाला है ना ये। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। इसके दो तरीके हैं, एक तो LCM वाला है, एक है क्रॉस मल्टीपल, तिरछा गुणा। हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 3 × 5 में गुणा करो कितना हो जाएगा 15, और बीच में धन का चिन्ह है तो धन लगा दो, प्लस 3 × 5 में हो गया ना। अब 4 × 1 में करो ऐसे, तो 4 × 1 = 4 और फिर लास्ट में क्या करोगे, नीचे 4 × 3 = 12, ये हो जाएगा जोड़ोगे तो 15 × 4 = 19/12। अब ये कटेगा तो नहीं आपस में, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका फाइनल आंसर अगर अच्छी तरह से आपको लिखना है शुद्ध रूप में तो आपको भाग देना होगा 19 में किससे, 12 से, तो 12 × 12 घटाने पे कितना आएगा 7। तो इसे आप क्या लिखोगे पता है आपको, क्या लिखोगे, सही बटा में इसको लिखोगे ना, आप लोग बताओ क्या लिखोगे, 7 सही 1/12, बोलो 7 सही 1/12 लिखोगे या फिर 1 सही 7/12 लिखोगे या क्या लिखोगे, बताओ सोचो। इसे लिखोगे 1 सही 7/12, क्या लिखोगे, 1 सही 7/12, मतलब आप ये समझ लो भैया कि जो ऊपर जाता है भागफल उसको सही बटा में लिखते हैं आगे, और जिससे हम भाग किए होते हैं वो नीचे हर में रहता है, और जो शेषफल बचता है वो अंश बन जाता है। मतलब इसका ये है कि 1 जो है इसमें पूर्णांक आ रहा है, बाकी 7/12 भिन्न के रूप में ही अटका हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन। इसके बाद इसे आप नोट कर लो जल्दी से या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ लेकर के आपको। इसी में अगर ये 2 से अधिक पद हैं तो क्या होगा, 2 से अधिक पद हैं और इनके हर जो हैं वो बराबर हैं, हर क्या हैं, बराबर हैं, तो इसमें कोई मुसीबत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, वैसे ही करना जैसे आप सीखे हो। ऊपर वाला तब भी सबको जोड़ना है, क्या क्या है, 3 × 5 × 1 × 2 2 नहीं है 4 है और बटा का है 2, ऊपर का सबको जोड़ना है, तरीका वही है सब, ज़्यादा है तो ज़्यादा बार जोड़ोगे बस। तो 3 × 5 = 8 + 1 = 9 9 = 4 कितना हो जाएगा 10 × 3 = 13/2 13/2 आया ना। इसको आप भाग करके मिस फ्रैक्शन में चेंज करोगे जैसे मैंने इसको किया है, कर लेना भाग, ठीक है, 2 से 13 में 13 में। और अब इसको तो आप कर लोगे, तो इसी पर आधारित नीचे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इनको घर से ट्राई करिए और फिर जैसे हो आपकी स्थिति आप हमें उसे ज़रूर बताइए, क्योंकि अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है। तो इनको आप कर लेना और फिर कैसा आपको फील होता है आप उसे ज़रूर बताना, ठीक है, इनको करना, ये भी आप कर लेना घर से, जल्दी नोट करो। देखो, मुंह फैला के देखने से काम नहीं चलेगा, अगर आप ईमानदारी से पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को हर दिन ऑनलाइन देखिए, और कोई भी वीडियो YouTube पे डाउनलोड नहीं करेगा, अगर आप वीडियो को डाउनलोड करोगे तो फिर YouTube पे क्लास नहीं मिलेंगी, इसको याद रखना, और हर एक वीडियो को लाइक करोगे तो रिकमेंडेशन में अपने आप क्लास आएंगी आपके सामने, ठीक है। तो वीडियो कोई डाउनलोड नहीं करेगा, हर कोई ऑनलाइन देखेगा, कोई वीडियो अगर आपको नहीं मिल रहा है इनमें पार्ट से तो ऊपर नंबर है उन पर संपर्क करो, मिल जाएगा। लेकिन ये मत सोचो कि मैं उसको डाउनलोड करके रख लूँ, ऑफलाइन देखूँ, हमेशा देखता रहूँ, ऐसा आप कतई मत करो, ठीक है। चलें आगे, ये होमवर्क है।
हो गया, जल्दी से वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, अगर आप नहीं लिख पाए तो वीडियो को रोक लो। तो अगर साथियों हम अगले स्टेप में इसमें आगे बढ़ें तो क्या मिलेगा हमें, वो देखो। अगले स्टेप में क्या है कि इन्हीं फ्रैक्शन में अगर हर बराबर ना हो तो बड़ा लफड़ा होता है आगे चल के। वो कैसे, जैसे अगर एक बटा दो और एक बटा चार, पहले दो ही वाला देखते हैं। वैसे ये तो मैं बता दिया हूँ ना, आप सीख लियो ना। हाँ, थोड़ा हार्ड लेवल में चलें क्या। चलो आप मान लो ये 12 है और ये मान लो भैया क्या है 42 है। अब थोड़ा बड़ा हो गया तो ऊपर भी क्यों ना हम बड़ा कर लें। चलो ये मान लो इतना हो गया, अब इनको कैसे हल करेंगे। देखो ये 42 हो गया, ऊपर 12 हो गया, ऐड करना है। गिनती बड़ी बड़ी लग रही ना। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं यार, तिरछा गुणा करना काफ़ी महंगा पड़ता है, क्योंकि 42 में 13 का मल्टीपल करो काफ़ी बड़ी गिनती आएगी। हम तिरछा गुणा नहीं करेंगे, अब एलसीएम मस्ट है। 12 और 42 का एलसीएम करो। एलसीएम करना आप सभी जानते हो, देखो करके देखो। 12 दूना 24, 12 के पहाड़ा में तो 42 आता भी नहीं है। वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए, हमें लगता है 84 होगी क्या। देखो एलसीएम करना भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एलसीएम आप जानते हो करना कि नहीं, ऐसे काटो, दो से काटो, दो छंग 12, दो दूना 4, फिर दो तिहाई 6, तीन तीन सते 21 और 7, दो दूना 4 तीन 12 सते 84, कितना आएगा 84 एलसीएम आएगा। तो भैया एलसीएम हमने लिख लिया 84। आप क्या करेंगे, 84 में आप 12 से भाग करो, 12 से भाग करोगे 84 में, 12 सते 84 7 आएगा, 7 का गुणा आप 13 में करोगे तो 13 सते 91 डन। 42 से डिवाइड करो 84 को, एलसीएम को इससे डिवाइड करो हर से, तो कितना जाएगा, दो बार जाएगा, दो का 12 में गुणा करोगे 24 आएगा। यू अंडरस्टूड, आया ना। अब क्या करोगे, जोड़ लो, सिंपल सी बात है, ऊपर ऊपर का ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 4 on 5, ये 9 to 11 और ये हो जाएगा 84। देखो ये आ गया एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आप इसे डिवाइड करो, काटो पीटो लिखो। देखो ऊपर वाला जो नंबर है भैया वो विषम संख्या है, ऑड नंबर है, नीचे वाला सम है, इवन नंबर है, तो ये दोनों कटेंगे नहीं आपस में, इन दोनों में अलग अलग समुदाय का मामला है। तो भाग दे करके आप इन्हें सही बटा में चेंज कर लोगे, यानी मिस फ्रैक्शन के रूप में। जैसे यहाँ भी आप इसको काट सकते थे, छोटा हो जाता तो हो सकता वो नौबत ना आती, लेकिन आपको सिखाना था। तो दो बार तो जाएगा नहीं, वन टाइम जाएगा, आप जानते हो 15 से 4 गया कितना आएगा, 5 से वैसे भी कट जाता, ये 31 आएगा, कितना आएगा 31, क्योंकि 16 15 31 होता है। जो ऊपर गया है ना वो नीचे आ जाएगा, एक सही 31/84 आएगा, कितना आएगा, एक सही 31/84 इसका आंसर आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखो अगर आपको अच्छे से मैथ सीखना है ना तो हमारे साथ बने रहिए और हर एक क्लास को रेगुलर देखिए। मैथ में आपको कोई हरा नहीं सकता यार, ईमानदारी से अगर आप पढ़ोगे तो मैथ में हम गारंटी लेते हैं आप मैथ में मास्टर बन जाओगे। जो ना समझ में आएगा कमेंट करना, लेकिन आप जीरो लेवल मैथ का ये जो शून्य से शिखर वाला सीरीज है ना इसको पूरा देख लीजिए तब। इसमें कम से कम 500 वीडियो मिलते हैं अगर आप अच्छी तरह मैथ सीखना चाहते हो, हाई स्कूल तक या उसके ऊपर तक। तो ये तो यूट्यूब पर आप थोड़ा मोड़ा देख लेते हो 4 से 8-10, अभी आप ट्रेलर देख रहे हो, मूवी में आ जाओ पहले, ठीक है। ट्रेलर जानते हो 2-3 मिनट का होता है, वैसे ये क्लास 10 मिनट की हो रही, मूवी देखते हो 2.5-3 घंटे की होती है, तो ये क्लास कम से कम 150-200 घंटे की होगी अगर आप अच्छी तरह देखोगे। तो उसके बाद हमने लिखा 27/9, 9 मत लिखो 10 लिख लो, प्लस 18/15, इनको बताना ठीक है। इसी तरह से इसको भी करोगे, इसको भी ऐसे ही करोगे जैसे इसको किए थे, सेम टू सेम। जहाँ यहाँ दो बार जुड़ा है ये 3 बार जुड़ेगा, बस कर लोगे ना। बात समझ में आ रही ना, बहुत आसान होता है यार फ्रैक्शन, ये जीरो लेवल मैथ हो सब बहुत आसान है। अगर आपको मैथ में नहीं आता कुछ तो टेंशन नहीं लेना, बस उम्मीद बना के रखना। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अपनी मंजिल को तुम अंधेरे में, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आप तो इंसान है ना, नोट करिए जल्दी से, इनको अगर आप लिखते चलोगे तो बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपके लिए, इनको हल करना, हल करके उत्तर कमेंट करना इसी वीडियो में आकर के। उत्तर कोई व्हाट्सएप पे नहीं भेजेगा, इसी वीडियो में आकर के उत्तर कमेंट करना, बहुत ही प्यार से लिखना, ठीक है। चलो इनको हल करना, ये होमवर्क है। होमवर्क नहीं करोगे बच्चा लोग तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो होमवर्क भैया ज़रूर करो।
होमवर्क नहीं करोगे तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि बिना अभ्यास के कुछ होता नहीं है। करत करत अभ्यास से जन्मत हो तो सुजान, है ना, जन्मत हो तो सुजान और रसरी आवत जात से सिल्पे परत निशान। सुने हो इसको, मतलब अगर एक रस्सी भी आप धागे की पत्थर पे लगातार रगड़ते हो तो उस पर भी निशान पड़ जाता है, वो भी कट जाता है। एक रेशम का धागा से भी पत्थर कट सकता है, तो फिर आपकी प्रयासों से ये मैथ का जो पत्थर है कैसे नहीं कटेगा, अवश्य कट जाएगा। हाँ, अगर आप कंप्लीट क्लास जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये डेमो क्लास हर दिन आपको मिल नहीं पाती है, टाइम नहीं बचता है, तो इस नंबर पर आप ज्वाइन प्रीमियम लिख करके मैसेज करें, व्हाट्सअप करें और PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुल्क पे करना होगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हम यूट्यूब पे देखेंगे, भैया कुछ भी पेमेंट वेमेंट नहीं करेंगे, बड़ी लूट मचा रहे हो, बहुत कमा रहे हो, ऐसा वैसा बहुत कुछ लोग सोचते रहते हैं, तो इसमें बहुत से लोग वर्क करते हैं यार, हम लोग भी दिन रात इसी में आँख फोड़ते हैं, तो जीते हैं हम भी, खाते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके लिए आप लोग अगर समझ सकते हैं तो फिर अच्छी बात है। मिलते हैं फिर, जय हिंद। चलते चलते निवेदन होगा, इस वीडियो को जरूर शेयर करना, इस तरह से बहुत सारे वीडियो हम यूट्यूब पे आपके लिए लाते रहेंगे। ऐसी बात नहीं आप कुछ भी करिए या मत करिए, चैनल पे बने रहेंगे तो आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे।